रथ पर अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, उसमें श्री कृष्ण, हनुमान जी और शेषनाग भी थे। की शक्तिशाली शस्त्रों का भी रथ पर प्रभाव ना पड़े, यह सारी व्यवस्था श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए की थी, क्योंकि अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहे थे। जब युद्ध समाप्त हो गया और पांडव विजय हो गए, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब पहले रथ से उतरिए, फिर मैं उतरूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। भगवान की आज्ञा और आदेश मानकर अर्जुन रथ से नीचे उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए, शेषनाग भी रथ को छोड़कर पाताल लोक चले गए और हनुमान जी भी अंतर्धाम हो गए। श्री कृष्ण रथ से उतरने के बाद अर्जुन को कुछ दूर ले गए और इतने में ही अर्जुन के रथ से अग्नि की लपटें निकलने लगी और रथ जलकर राख हो गया। अर्जुन ने आश्चर्य होकर श्री कृष्ण से पूछा, भगवान यह क्या हुआ? तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह रथ तो भीष्म पिता, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वास्ते पहले से ही जल चुका, क्योंकि पताका लिए हनुमान जी और स्वयं में रथ पर, जबकि तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है तो मैंने उसे छोड़ दिया और इसलिए